भारत में ई कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग करने का ट्रेंड बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके जरिए खरीदारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है, साथ ही छोटे बड़े सेलर भी इसके जरिए अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ऐसे में अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग के लिए ई बुक सेलिंग करें तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। बदलते दौर में ई बुक का अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले समय में पुस्तकों के स्थान पर मोबाइल टेलीफोन पुस्तक ऑडियो पुस्तक का ही अधिक प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो भविष्य में आपको अच्छा खासा लाभ होगा। ई बुक बिक्री का बिजनेस शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ई बुक बिक्री होती क्या है। दरअसल ई बुक एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक होती है, जिसका अर्थ डिजिटल पुस्तक से होता है। इसमें कागज का प्रयोग नहीं किया जाता, ये पूरी तरह एक डिजिटल फाइल होती है। बता दें, ई बुक को कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल उपकरणों के द्वारा पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। ई बुक कई फॉर्मेट के जरिए बनाई जाती है, जैसे कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, XPS इत्यादि फाइल होती है। लेकिन इनमें से सबसे अधिक प्रचलित PDF फाइल है। आप चाहें तो अपने द्वारा लिखी हुई किताबें ऑनलाइन बेच सकते हैं, या फिर आप अन्य लेखक के द्वारा लिखी गई किताबों की भी बिक्री कर सकते हैं। ई बुक के लाभ। ई बुक का बिजनेस शुरू करने से पहले आप इसके बारे में सारी जानकारी अच्छे से जुटा लें, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बता दें, ई बुक बिजनेस करने से आपको पैसे का फायदा तो होता है, साथ ही कस्टमर के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। इसलिए ई बुक की डिमांड मार्केट में अधिक बढ़ रही है। ई बुक के लिए आपको अधिक पैसा खर्च नहीं करना होगा। इसे आप इंटरनेट के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आपको मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठे बैठे ही आप अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं। ई बुक बिक्री का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इन पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाना पड़ता। ये बुक ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती है, जिससे आप जब चाहें, जहां चाहें अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस बिजनेस में कितना करना होगा निवेश? इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए जिस साइट से आप पुस्तक बेचना चाहते हैं, उस साइट पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना होता है। आप चाहें तो अपना अकाउंट किसी की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना होता है। आपको ये बुक तैयार करने के लिए प्रिंटिंग की भी आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कागज की भी बचत हो सकती है। कैसे करें ई बुक बिक्री? ई बुक की बिक्री करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कुछ ऑनलाइन साइट्स की मदद लेनी होगी। आप चाहें तो अपने बुक को एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर भी बेच सकते हैं। इसमें कुछ हिस्सा गूगल को देना होगा। इसके अलावा एप्पल स्टोर, यहाँ पर भी आप किताबों की बिक्री कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद का वेबसाइट तैयार करके भी बुक की बिक्री कर सकते हैं। इसका सबसे खास फायदा ये होगा कि आपको इसमें किसी और को पैसा नहीं देना होगा, बल्कि पूरा का पूरा पैसा आपका ही होगा। इन साइट्स के जरिए भी आप आसानी से किताबों को बेच और खरीद सकते हैं। इन साइट्स पर आपको किताबों का नया और पुराना दोनों ही कलेक्शन मिल जाएगा। putforshare.com, OLX, माई पुस्तक, बुक चोर, बाय एंड सेल यूज्ड बुक्स फैक्ट्री, बुक ठेला, बुक बाय किलो, बुक्स यारी, बुक्स बाय किलो। ऑनलाइन किताबें बेचने का फायदा। ऑनलाइन किताबें बेचने से आपको अपना देश भर में फैलाने का मौका मिलता है। ग्राहकों को शॉपिंग का बेहतर अनुभव मिलता है, साथ ही आप इससे अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। एक ही क्लिक पर आप लाखों कस्टमर तक अपनी बुक पहुंचा सकते हैं। सुरक्षित और समय पर आपके पैसे का भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा आपको किताबें बेचने के लिए मार्केट में जगह जगह नहीं घूमना होगा। एक ही जगह में आप हर प्रकार की बुक की बिक्री कर सकते हैं। ई बुक की बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस। जिस तरह से हर छोटे बड़े बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको कुछ सरकारी काम करवाने होते हैं, ठीक उसी तरह ई बुक बिक्री बिजनेस के लिए भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। इसके लिए आपको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तहत लाइसेंस बनवाना होगा। करें बुक की मार्केटिंग। ई बुक की मार्केटिंग करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। आपको बुक की डिजाइनिंग पर खास ध्यान देना होगा। बुक की अच्छी डिजाइनिंग के लिए बुक के ऊपर का कवर आकर्षक होना चाहिए। कवर बनाने के लिए आप इंटरनेट पर फ्री डिजाइन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने किताबों पर देखा होगा कि किताबों के फ्रंट पेज पर किताब का पूरा सार होता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपनी बुक तैयार करनी है। इससे किताब की खूबसूरती बढ़ेगी और लोगों का मन पढ़ने के लिए उत्सुक होगा। इससे सेल्स बढ़ाने में भी फायदा होगा। आपको अपने ई स्टोर में किताबों का अधिक से अधिक कलेक्शन रखना होगा, ताकि कस्टमर को अपनी पसंद के अनुसार सारी किताबें मिल जाए। ऐसा करने से आप कम समय में अधिक लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ पाएंगे और आप अच्छी कमाई भी कर पाएंगे। ई स्टोर में कितनी रखनी होंगी किताबें? ई बुक स्टोर में किताबों की लिस्ट को समय समय पर अपडेट करते रहें। आप इसमें नई नई किताबों को जोड़ते रहें। इसके लिए आप साइंस फैंटेसी साहित्य, डिटेक्टिव बुक्स, एस्ट्रोलॉजी और हेल्थ की किताबें शामिल करें। आपके ई स्टोर में कम से कम 400 से 500 किताब तो होनी ही चाहिए। बता दें, आप अपनी स्टोर में जितना अच्छा कलेक्शन रखेंगे, आपके पास उतने ही ग्राहक आएंगे। आप ऑनलाइन किताबें बेचने के लिए अपने स्टोर में मशहूर लेखकों की किताबें अवश्य रखें।
कैसे कमाएं ईबुक से पैसे। ईबुक से पैसे कमाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल बुक स्टोर पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए गूगल प्ले बुक पार्टनर सेंटर में अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको गूगल की तरफ से मैसेज आने का इंतजार करना होगा। मार्केट में किताबों का मूल्य 100 से लेकर 500 तक होता है। इसके अलावा किताबों का मूल्य इनके लेखक के अनुसार भी तय होता है। एक रिसर्च के अनुसार ऑनलाइन किताबें बेचने का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल की तुलना में किताबों की ऑनलाइन बिक्री 300% बढ़ी है। ऐसे में आप ईबुक बिक्री बिजनेस में महीनों में लाखों की इनकम कर सकते हैं। हालांकि आपकी इनकम आपकी किताबों की सेलिंग पर तय होती है। जितनी ज्यादा किताबें बिकेंगी आपकी कमाई में भी उतना मुनाफा होगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।